न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीजा एक ऐसी कंट्री जहां पर आप वीजा अप्लाई करके जस्ट ले सकते हो 10 दिनों में। अगर मैं इसके प्रोसेसिंग टाइम की बात करूं तो मैंने वो क्लियर कर दिया कि अगर आज अप्लाई करते हो तो आपका 10 या 15 दिन के अंडर जो आपका वीजा है आपके पास होगा। हमने बहुत सारी एप्लीकेशन अप्लाई की है न्यूजीलैंड की, बहुत सारे हमारे एप्लीकेंट ऑलरेडी न्यूजीलैंड में बैठे हैं। मैं खुद भी न्यूजीलैंड ट्रैवल कर चुका हूं, मेरी भी अपनी एप्लीकेशन थी जो विदाउट स्पॉन्सर सी ओनली ऑन होटल बुकिंग थी। सो न्यूजीलैंड पे जब आप एक अप्लाई करते हो तो आपको बहुत ज्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। आपके पास अगर 5-6 लाख फंड है दैट्स सफिशिएंट। न्यूजीलैंड में अगर आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हो तो आपको बहुत ज्यादा इनकम की भी नीड नहीं होती। जैसे कि हम कनाडा में टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हैं हमें अच्छी इनकम दिखानी पड़ती है, अच्छा फंड दिखाना पड़ता है, तो न्यूजीलैंड में इतनी ज्यादा स्ट्रांग चीजें हमें दिखाने की नीड नहीं है। न्यूजीलैंड का वीजा सक्सेस रेट भी कनाडा से बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि हम अप्लाई कर रहे हैं, हमारे वीजा आ रहे हैं और मैं खुद भी वहां पे जाकर ट्रैवल कर कर आया हूं। तो न्यूजीलैंड का कहीं ना कहीं एक सुंदर कंट्री भी और सेफ कंट्री भी है अगर हम इसको कंपेयर करें कनाडा के साथ। न्यूजीलैंड में अगर आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हो तो वहां पे जाके आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। आप इसको स्टडी वीजा पे कन्वर्ट कर लो, आप इसको वर्क परमिट पे कन्वर्ट कर लो, वो आपकी इच्छा है। अगर आपको वहां पे स्पॉन्सर मिलती है जो कि हम आपकी हेल्प भी करवा सकते हैं तो आप उसको वर्क परमिट पे भी कन्वर्ट कर सकते हो, स्टडी वीजा में हम आपका करवा के दे सकते हैं। हमारे ऑलरेडी जो न्यूजीलैंड में क्लाइंट है उनका हमने स्टडी वीजा में भी कन्वर्ट करवा के दिया है, वर्क परमिट में भी कन्वर्ट करवा कर दिया है। न्यूजीलैंड में अगर आप अप्लाई करते हो तो सबसे कम खर्चे में एज कंपेयर टू बिगेस्ट कंट्री लाइक कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सबसे कम खर्चे में आप न्यूजीलैंड पहुंच सकते हो। इसकी ना तो ज्यादा इतनी अम्बेसी फीस है, ना ही इतना ज्यादा खर्चा है, ना ही इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। अगर आपके पास न्यूजीलैंड की ट्रैवल हिस्ट्री है आप कनाडा का वीजा बड़े आसानी से ले सकते हो अगर आपके पास न्यूजीलैंड की ट्रैवल हिस्ट्री है, क्योंकि न्यूजीलैंड में भी लोग वहां पे जाके पक्के होते हैं, पीआरस अपॉर्चुनिटीज है, वर्क अपॉर्चुनिटीज है, काफी लोग हैं न्यूजीलैंड को छोड़कर नहीं आते। सो दैट इज व्हाई कनाडा के पास अगर आप एप्लीकेशन लगाते हो आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होती है न्यूजीलैंड की तो आपके वीजा आने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। आज की डेट में भी न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीजा वन ऑफ द बेस्ट वीजा है जो कि आपको बहुत कम समय में, बहुत कम खर्चे में एंड बहुत आसानी से आपको मिलेगा। सो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीजा आज ही हमारे साथ कॉन्टेक्ट करो, हम आपको पूरा गाइड करेंगे कितनी आपके पास फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, आप जब ट्रैवल करोगे आपको ट्रैवल करने में जो दिक्कत ना आए उसके लिए हम आपको पूरा समझा कर पूरा गाइड कर भेजेंगे। ट्रैवल आपने करना है, आपके पास वजन कितना होना चाहिए, सामान कितना होना चाहिए, कौन सी एयर फ्लाइट होनी चाहिए, आपके पास कौन सी वियरिंग होनी चाहिए, क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे, उनका आंसर क्या करना है, वो सारी चीजें हम आपको पूरा गाइड करेंगे। पुनीत इमिग्रेशन से अगर आप अप्लाई करवाते हो तो आपको बहुत ही कम खर्चे में, बहुत ही जल्दी और आसानी में जो है न्यूजीलैंड का वीजा हासिल कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, सत श्री अकाल।